Good afternoon, children. How are you? I hope you are fine. So, what we were discussing the chapter, A Lady or the Tiger. Got it? And what we have discussed, कि a cruel father के द्वारा a cruel decision, जो मैंने तुम लोगों को explain किया था, कि how he, we can say, destroyed the innocent people. Is it clear? How he take, we can say, उसके decisions कैसे होते हैं, और किस तरीके से एक लेडी या फिर एक टाइगर निकल के आता है उसमें से, है ना. और अनफॉर्चुनेटली ही ऑल्सो हैड ए गर्ल एंड शी वॉज ऑल्सो ब्यूटिफुल एंड बट हर बिहेवियर लाइक हर फादर. द बिहेवियर ऑफ द गर्ल वॉज लाइक हर फादर. सेमी बार्बी क्रूअल बट सी द लेडी वॉज वी कैन से फेल इन लव विद अ बॉय एंड द गर्ल वी कैन से ट्राई टू वी कैन से हाइड दिस इंसिडेंट फ्रॉम hide this love from her father, but somehow father knew about that. और जान गया, तभी उसने क्या किया, एक ये fact decide किया गया कि वो जो लड़का है उसको भी same punishment मिले. और उस लड़के को देखते हुए, बहुत ही सुंदर था वो, है ना, उसको देखते हुए उसने क्या decide किया कि एक ऐसा मतलब tiger हो जो बहुत ही खतरनाक और बहुत ही भयंकर हो, समझो ना, और या फिर एक इतनी अच्छी लड़की हो, इतनी सुंदर हो कि उस जैसी कोई नहीं हो. एक सब कुछ डिसाइड कर दिया और एक डेट डिसाइड कर दी एलेना की, ठीक है, गॉट इट और नॉट. एंड सारे जो लोग हैं, एवरीबडी वॉज गैदर्ड देयर टू सी व्हाट विल हैपन विद द बॉय एंड दैट वॉज द डे. ऑन दैट डे व्हाट विल हैपन नेक्स्ट आई विल ऑल्सो टेल यू इन दिस चैप्टर, कि किस तरीके से वो लड़का उसकी डेथ होती है या कैसे वो बचता है, ठीक है. द प्रिंसेस हैड थॉट अबाउट दिस ट्रायल डे एंड नाइट फॉर ए लॉन्ग टाइम. वो जो लड़की है वो उस ट्रायल डे के बारे में सोच रही है फॉर ए लॉन्ग टाइम. सी न्यू सी कुडंट बियर टू मिस द स्पेक्टल्स. वो उस दृश्य को मिस नहीं कर सकती, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी उस चीज को. बट देयर वॉज अनदर रीजन फॉर हर बींग देयर. लेकिन उस का वहां पे होना भी एक और रीजन भी है जिससे वो लड़की वहां पे गई है. सी हैड सच ए पावर इन्फ्लुएंस एंड फोर्स ऑफ करेक्टर. क्योंकि वो लड़की पावरफुल थी, उसके अंदर करेक्टर के अंदर ताकत थी उसके अंदर. एज वेल एज ए प्लेंटी ऑफ गोल्ड, उसके पास सोना था. दैट सी डिड व्हाट नो वन हैड एवर डन बिफोर. वो कर सकती थी जो कभी किसी ने नहीं किया और उसने कर भी दिया. वो क्या, उसने पता लगा लिया कि कौन सी में टाइगर है और कौन सी में वो लड़की है, कौन से डोर में टाइगर है, कौन से डोर में लड़की है. सी फाउंड आउट द स्ट्रीट सीक्रेट ऑफ द डोर्स फॉर दैट डे. उसने किसी को पैसे दे दिए होंगे या फोर्सली उसको पता लगा लिया होगा कि कौन से डोर में टाइगर है और कौन से में लड़की है. उसने पैसे दे दिए होंगे उसको लाने वालों को. सी न्यू इन विच रूम स्टूड द हैंग्री टाइगर एंड इन विच वेटेड द लेडी. उसको पता था कि कौन से रूम में हैंग्री टाइगर है और कौन से रूम में वो लेडी है. शी न्यू टू दैट द डोर्स वर सो थिक दैट देयर वॉज नो वे टू एनी वन कुड एवर हियर सम हिंट फ्रॉम बिहाइंड देम. वो जानती थी कि डोर्स बहुत थिक हैं और आवाज से भी नो वे फॉर एनी वन हु कुड मेक इंक्वायरी दैट वेयर इज द टाइगर एंड वेयर इज द लेडी. इफ सी वर गोइंग टू वार्न हर लवर सी वुड हैव टू डू इट बाई सिग्नल. अगर उसको अपने लवर को बचाना है या अपने लवर को बताना है कि कौन से में टाइगर है और कौन से में लेडी है, तो शी हैव टू गिव ए सिग्नल. उसे क्या देना पड़ेगा, उस लड़के को सिग्नल देना पड़ेगा. इन दिस वे सी कैन सेव द लाइफ, अदरवाइज नो चांस. यानी द गर्ल हैड ए पावर, गर्ल हैड ए मनी, गर्ल हैड ए गोल्ड एंड सी ऑल्सो आइडेंटिफाइड और सी ऑल्सो इंक्वायर्ड, सी ऑल्सो वी कैन से गेट द न्यूज दैट वेयर इज द टाइगर एंड वेयर इज द लेडी. एंड सी न्यू दैट सी ओनली की कैन गिव अ सिग्नल, क्योंकि वो लड़की भी वहीं बैठती थी. इज अ क्लियर. सी ऑल्सो न्यू समथिंग विच मेड द होल प्रोसेस मोर कॉम्प्लिकेटेड. वो जानती थी कि ये प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है. She knew that the lady was one of the most beautiful maidens in the whole country. उसको ये पता था कि वो जो लड़की लाई गई है, that is the most beautiful, उस जैसी कोई नहीं है,
सुंदरता में, इन द कंट्री, कंप्लीट कंट्री में, पूरा देश में, एंड द थॉट ऑफ हर यंग मैन लिविंग विद हिज वुमेन एंड ग्रेस्ड हर, और ये सोच कि उसका जो लवर है वो किसी दूसरी लड़की से शादी करे, ये भी उसको परेशान कर रही थी। इसीलिए उसने प्रोसेस को और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया उस लड़की ने। उसके पास चॉइस नहीं थी, एक तो चॉइस ये थी कि वो लड़का मर जाएगा, खेल खत्म, एक दूसरा ये थी कि उसकी शादी उस मैडम के साथ हो जाएगी। तो उस लड़की को क्या मिला? अगर वो मर गया तो वो चाहती नहीं थी कि वो मर जाए, वो ये भी नहीं चाहती थी कि उसकी लड़की से शादी हो जाए। सी हेटेड द लेडी एंड हेटेड व्हाट माइट हैपन, वो उस लेडी से नफरत करती थी जो उस दौर में थी, और उस प्रोसेस से नफरत करती थी जब वो लेडी उसके सामने आएगी, लड़के के सामने जैसे उसकी शादी होगी ना, वो उससे भी नफरत करती थी। सी वाज इन अ डिलेमा, वो कंफ्यूज थी, वो करे क्या। व्हेन द अक्यूज्ड गो टू द रॉयल बॉक्स, जब अपराधी को लाया गया, व्हेन द अक्यूज्ड गो, जब वो झुका, एज वाज द कस्टम, जैसे कि एक कस्टम है, रीत है, ही लुक ओनली एट द प्रिंसेस, द बॉय ओनली वॉज लुकिंग टुवर्ड द प्रिंसेस, उसको कहीं ना कहीं पता था कि प्रिंसेस मुझे बचा लेगी। एंड इमीडिएटली ही न्यू ही हैड एक्सपेक्टेड हर टू फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, उसको पता चल गया था बॉय को कि द गर्ल हैड फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, कि दरवाजे का सीक्रेट जो है, जो उसके बारे में जो चीजें हैं वो उस लड़की को पता चल गया। And now he knew that she had the answer, and he also knew that the girl had the answer, right answer, where is the tiger and where is the lady. It was only left for her to tell him, bas yahi bacha hai ki wo usko ye bata de, what the girl would tell him, where is the tiger and where is the lady. His quick glance at her asked which, ladki ne uski taraf dekha और ऐसा लग रहा था कि वो पूछ रहा है कौन सा, ग्लैंस, उसने उस लड़की की तरफ देखा बस, और लड़की को लगा कि मुझसे पूछ रहा है कि कौन सा दरवाजा। इट वॉज ए प्लेन, इट वॉज प्लेन एज इफ ही हैड शाउटेड इट, ऐसा था जैसे कि वो चिल्लाया इस पे। देर वॉज नो टाइम टू लूज, द क्विक क्वेश्चन हैड टू बी आंसर्ड जस्ट एज क्विकली सो दैट द किंग वुड नॉट सस्पेक्ट, कह रहा है कि राइटर इज सेइंग कि एक ऐसा क्विक क्वेश्चन था, उसने तुरंत पूछा और उसका तुरंत रिप्लाई होना चाहिए, अदरवाइज अगर किंग को पता चल गया तो गलत हो जाएगा। व्हाट वाज द क्विक आंसर, वेयर इज द टाइगर, विच वन, विच विच डोर शुड आई ओपन, एंड व्हाट शुड बी द क्विक आंसर फ्रॉम द गर्ल, बट इन बिटवीन राजा को पता नहीं चलना चाहिए। हर राइट हैंड वॉज रेस्टिंग ऑन ए पिलो, उस लड़की का दाहिना हाथ एक पिलो पे था, तकिए पे, इन फ्रंट ऑफ हर, जो उसके सामने था। सी रेज्ड इट स्लाइटली, उसने धीरे से उस हाथ को उठाया, स्लाइटली, एंड मेड ए स्मॉल, एक छोटा सा इशारा, फर्स्ट मूवमेंट टू द राइट साइड, राइट साइड में उसने फर्स्ट मूवमेंट किया, उसने अपना हाथ उठाया धीरे से और उसने फर्स्ट इशारा कर दिया राइट साइड में, किसने, द गर्ल। नो वन बट हर लवर सो हर, किसी ने उसको नहीं देखा लेकिन उसके लवर ने उसको देख लिया। एवरी आई इन द एरेना वाज फिक्स्ड ऑन हिम, हर बंदे की आंखें किस पे फिक्स थी, बॉय की, लड़की के ऊपर किसी की आंखें फिक्स नहीं थी, होनी भी चाहिए थी क्योंकि वो हेल्प कर सकती थी उसकी, लेकिन उसने कर भी दिया। जब लड़के ने क्वेश्चन पूछा आंखों से, लड़की ने अपना दाहिना हाथ उठाकर राइट की तरफ इशारा कर दिया। He turned and with a firm and rapid step, लड़का घूमा, firm, देखो कितना विश्वास था उस बच्चे को, rapid step he walked across the empty space की तरफ गया। Every heart stopped beating, सारे दिल जो हैं वो beating करना, मतलब चुप, एकदम से स्तब्ध हो गए। Every breath was held, सांसें रुक गई लोगों की। Every eye was upon him, हर बंदे की आंखें उस लड़के पे थी। Without hesitation, he went to the door on the right and opened it. लड़का बिना किसी hesitation के right side में जो door था उसने वो open कर लिया, यानी
उस बच्चे ने उस लड़के ने द बॉय वॉज टोटली फॉलोइंग द गर्ल बिकॉज ही हैड ए ब्लाइंड फेथ इन हिज लव. दैट इज वाई वेन द गर्ल गिव हिम ए सिग्नल द बॉय फॉलोड हर कंप्लीटली इन क्विक स्टेप्स ही ओपन द राइट साइड ओपन द राइट डोर. लेकिन क्या लड़की ने सही बताया था? क्योंकि वो दोनों ही कंडीशन में वो लड़की का नुकसान हो रहा था. यदि वो लड़का मर जाएगा टाइगर खा जाएगा तो नुकसान, और उससे बड़ा नुकसान ये है कि वो अपने लवर को किसी और के साथ क्यों देखे. बिकॉज द लेडी वॉज इन द डोर वॉज ऑल्सो मोस्ट ब्यूटिफुल लेडी इन द वर्ल्ड. और ऐसी शर्त भी थी राजा की कि वो अपने किसी से प्यार करता है उसको बोलना पड़ेगा, और जिसके साथ शादी है हो चुकी है उसको भी उससे शादी करनी पड़ेगी. डिड द टाइगर कम आउट ऑफ द डोर और डिड द लेडी? राइटर इज सेइंग टू अस, क्या टाइगर आया या लेडी आई? द मोर वी थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन द हार्डर इट टू आंसर. हम जिस क्वेश्चन के बारे में जितना सोचेंगे उतना ही कठिन इसका आंसर है. इट इन्वॉल्व्स ए स्टडी ऑफ ए ह्यूमन हार्ट. ये है एक ह्यूमन हार्ट की स्टडी विच लीड्स टू मैच ऑफ पैशन लव हेट एंड एक्साइटमेंट. जो किसको एक्सप्रेस करता है? पैशन लव हेट और एक्साइटमेंट. गॉट इट? इट वॉज द क्वेश्चन विच वॉज वेरी डिफिकल्ट एंड दिस इज द डायरेक्ट स्टडी ऑफ ए ह्यूमन हार्ट. Do not answer for yourself, but put yourself in the place of princess. Answer मत दो, लेकिन अपने आप को princess की जगह देखो. You will get the answer. The writer is saying, she was hot-blooded and semi-barbaric. गर्म खून, same अपने पापा की तरह. And her soul burned with the twin desire. उसकी आत्मा में दो desires थी, twin desires. उसकी आत्मा जल रही थी. Of longing and jealousy. एक इच्छा उसको पाने की और दूसरी उसकी जेलेसी. सी न्यू दैट सी हैड ऑलरेडी लॉस्ट हिम बट टू होम. लड़की को पता था कि मैं इसको खो चुकी हूं, लेकिन किसको, किसके लिए खोया? बिल्कुल खो तो चुकी है वो. टाइगर आएगा तो उसको मार डालेगा. अगर वो लेडी और डोर ओपन करेगी तो वो वैसे चली जाएगी उससे दूर. हाउ ऑफन सी हैड लेन अवेक एट नाइट इमेजिंग द हॉरर ऑफ अ लवर बींग किल्ड बाई ए टाइगर. कितनी रात वो जागी है रो रो कर. लेट अवेट ए नाइट इमेजिंग द हॉरर, जो डर ऑफ हर लवर बींग किल्ड बाई ए टाइगर, कि उसके लवर को कौन मार डालेगा. टाइगर वुड किल हिम. इवन इन हर ड्रीम्स सी हैड कवर्ड हर फेस विद हर हैंड्स टू हाइड फ्रॉम द क्रुएल्टी. उसने अपने ड्रीम्स में भी अपने चेहरे को छुपाया है. इसने द गर्ल हैज टू हाइड फ्रॉम द क्रुएल्टी, उस क्रुएल्टी से बचने के लिए, निर्दयता से बचने के लिए. बट हाउ मच मोर ऑफन हैड सी सीन हिम एट द अदर डोर. ये तो हो गया टाइगर वाला, कि कैसे उसको ड्रीम कर रही है कि उसके लवर को टाइगर मार डालेगा, कैसे वो मुंह छुपा छुपा के रोई है. अब सेकंड आया है, इफ ही वुड ओपन अदर डोर इन हर माइंड सी हैड स्क्रीम्ड एंड टॉर्न हर हेयर व्हेन शी सॉ हिज हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर. उसके दिमाग में जब उसने देखा कि वो दरवाजा खोलेगा दूसरा, तब कितना वो रोई है, कितने उसने अपने बाल नोचे हैं. टोन हर हेयर व्हेन शी सॉ हिज हैप्पी फेस एट ओपनिंग द डोर टू द लेडी. जब वो देखती है उसका हैप्पी फेस प्रिंस का, सॉरी उस लड़के का, जब उसने वो लेडी वाला दरवाजा खोला. हर सोल बर्न इन इग्नोई एज शी सॉ हिम रश टू द वुमेन एंड देन बी वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट. वो इमेजिनेशन जो उसको देखेगी उस लेडी की तरफ उसको भागते हुए, और सोल बर्न इन एग्नोई एंड सी सॉ हिम रश टू दैट वुमेन एंड देन ही वेडेड इन द नेक्स्ट मोमेंट. किस तरीके से वो नेक्स्ट मोमेंट में उससे शादी करने वाला है, ये देखकर उसकी आत्मा जल उठी. When all about her were joyous, वो सब she lived through the misery of the procession. वो दुख में जी है. दोनों चीजें उसने महसूस की हैं, दोनों में उसको दुख मिला है. द हैप्पी कपल द सिंगिंग एंड डांसिंग शाउट ऑफ क्राउड. वो चीजें इमेजिनेशन कर रही है जो उसकी शादी हो जाएगी. हैप्पी कपल, दोनों खुश, लोग नाचेंगे गाएंगे, क्राउड की चिल्लाहट खुशियों वाली. द लाफ्टर ऑफ वेंडरिंग चिल्ड्रेन
ढूंढते हुए बच्चों की हंसियां, हर टीयर्स और उसकी आंखें, उसमें आंसू, ऑफ कोर्स वर लॉस्ट इन ऑल द जॉय, तो सारा उसका जॉय खो देगी। दीज वर द इमेजिनेशंस विच वर रनिंग इन द माइंड ऑफ द गर्ल। दो इमेजिनेशन, एक टाइगर वाली, सेकेंड वॉज द गर्ल, कि वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, कैसे अपने बाल नोचेगी, कैसे वो रोएगी जब देखेगी कि उसका लवर किसी और से शादी कर रहा है। लोग गाने गा रहे हैं, द पीपल आर डांसिंग, चिल्ड्रेन आर ऑल्सो लाफिंग एट दिस, दिस सीन ऑल्सो क्रिएट अ नॉनसेंस, वी कैन से प्रॉब्लम फॉर हर। वुड इट बेटर फॉर हिम टू डाई एट वंस, क्या इसके लिए ये बेटर है, लड़की सोच रही है कि वो मरी जाए तुरंत, कौन लड़का, देन ही कुड गो टू प्लेस आफ्टर डेथ एंड वेट फॉर हर, जन्म के बाद में, मरने के बाद में वो उससे मिल लेगी। एंड येट दैट अवफुल टाइगर, दो सिक्स दैट ब्लड, वो एक खतरनाक टाइगर जो उसके खून से खेलेगा। हर डिसीजन हैड बीन मेड इन द इंस्टेंट दैट सी मूव्ड हर हैंड, उसका जो डिसीजन था वो जल्दबाजी में किया गया, उसने अपना हाथ मूव किया। सी हैड नोन दैट ही वुड आस्क, वो उसको पता था कि उसका लवर उस पर बिलीव करता है, उस पर विश्वास करता है, वो उससे जरूर पूछेगा। हू नोन द गर्ल, सी हैड नोन दैट हर लवर वुड आस्क, बट शी हैड पुट ऑफ हर डिसीजन अंटिल द लास्ट मोमेंट, लास्ट मोमेंट तक अपना डिसीजन नहीं दिया उस लड़की ने, सारा तो किया। सी फाइनली डिसाइडेड, और फिर उसने डिसाइड किया, एंड विदाउट हेजिटेशन, उसने बिना कोई हेजिटेट किए, सी इंडिकेटेड द राइट हैंड डोर, उसने राइट हैंड डोर की तरफ इंडिकेशन दे दिया। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन टू बी टेकन लाइटली, ये क्वेश्चन राइटर कह रहा है कि ये क्वेश्चन लाइटली लेने का नहीं है। दिस इज नॉट ए क्वेश्चन दैट शुड बी टेकन लाइटली, हर डिसीजन वॉज सीरियस फॉर हर, उसका जो डिसीजन था उसके लिए सीरियस था, फॉर हुम इट वॉज सीरियस डिसीजन, फॉर द गर्ल। सो आई डू नॉट प्रेज्यूम टू आंसर फॉर इट, मैं नहीं कहता कि इसका आंसर दें, आई लीव इट टू ऑल ऑफ यू, राइटर कह रहा है कि मैंने आप लोगों के लिए छोड़ दिया है। किसके लिए, वी रीडर्स, विच केम आउट ऑफ द ओपन डोर द लेडी और द टाइगर, कि उस दरवाजे से कौन आएगा, लेडी आएगी या टाइगर आएगा। सो माई डियर चिल्ड्रेन, इट वॉज द चैप्टर, सबसे बेस्ट चाहिए। इन दिस चैप्टर वट वी हैव डिस्कस्ड, द लॉन्गिंग स्ट्रॉन्ग डिजायर ऑफ द लवर, वी कैन से एंड द गर्ल, एंड द गर्ल, ओके, इज दैट क्लियर, विद ईच अदर, विच टाइप ऑफ रिलेशंस दे वर शोइंग, इज दैट क्लियर, एंड लास्ट मोमेंट में क्या वो डिसीजन आकर निकलता है, दैट वॉज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। वो लड़की एक डिलेमा में फंस गई कि विच टाइप ऑफ डिसीजन शी शुड गिव, दोनों तरफ तो मर तो उसी की थी ना, अगर उसके लवर को टाइगर मार डालता, अगर वो टाइगर वाले के इस तरफ इशारा करती तो उसका लवर ख़त्म था, और यदि वो लड़की वाले की तरफ इशारा करती तो और भी भयानक था उसके लिए, क्यों, उसकी शादी होनी थी उसकी, क्योंकि राजा ने कानून ऐसे बनाए थे, है ना, द किंग हैड मेड दिस टाइप ऑफ लॉ, कि यदि लेडी आई तो जो मैरिड पर्सन है उसे भी उससे शादी करनी पड़ेगी, या फिर कोई लवर है उसको भूलना होगा और उस लड़की से शादी करनी पड़ेगी। और कितनी रातें उसने रो रो के बिताई, बोथ द थिंग्स वर इन हर माइंड, दोनों चीज़ें उसके दिमाग में थी, वन फ्रॉम द टाइगर, वन फ्रॉम द गर्ल। इन दिस चैप्टर दीज वर ऑल थिंग्स वर गोइंग ऑन, गोट इट, एंड दैट वॉज द स्टॉक टोन, आई हैव एक्सप्लेन यू अबाउट द चैप्टर ऑल्सो, एंड सम क्वेश्चंस आर ऑल्सो देयर, कि कैसे राजा अपने दूसरे नेबर्स से डिफरेंट था, बिकॉज ही नेवर एवर लर्न फ्रॉम गुड थिंग्स फ्रॉम देम। व्हाई वॉज द किंग हैप्पी व्हेन थिंग्स वेंट रॉन्ग, क्योंकि उसको अच्छा लगता था गलत चीज़ों को सही करने में, बिकॉज ही वॉज हैप्पी बिकॉज पीपल वुड कम टू हिम एंड टेक हेल्प फ्रॉम हिम टू करेक्ट द थिंग्स। हाउ डिड द किंग यूज द एरेना, किंग यूज द एरेना फॉर जस्टिस, इफ द अक्यूज लूज द डोर विद द टाइगर वॉट हैपनी, हाउ डिड द पीपल रिएक्ट, अगर टाइगर के साथ अक्यूज अगर डोर कैच करता क्या होता, टाइगर वुड कम एंड टीयर हिम इन द स्ट्रेट्स एंड पीपल विल ऑल्सो मोर एट हिज डेथ। इफ द अक्यूज क्लोज द डोर विद द लेडी व्हाट हैपन, द अक्यूज वुड मैरी विद हर एंड पीपल विल सिंग सॉन्ग एंड दे विल ऑल्सो डांस, सब कुछ होता। सो दीज आर द क्वेश्चंस, ओनली फाइव क्वेश्चंस विच वर वी कैन से विच आई हैव एक्सप्लेन यू, है ना,
तो इसमें से आगे भी हैं, डिस्क्राइब द करेक्टर स्केच ऑफ द प्रिंसेस, उसका प्रिंसेस का करेक्टर स्केच डिस्क्राइब करना है, किस तरीके की थी वो, सेम अपने फादर के जैसी थी, जस्ट लाइक हर फादर, यस और नो, तो यू शुड ऑल्सो डिस्क्राइब, इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. एंड वाई वॉज द ऑडियंस सरप्राइज वेन द यंग मैन एंटर द अरेना, क्यों, क्योंकि ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, ही वॉज वेरी ब्यूटीफुल, द बॉय वॉज वेरी ब्यूटीफुल, दैट इज वाई द ऑडियंस वर सरप्राइज टू सी हिम. वॉट हैड द प्रिंसेस डिस्कवर्ड अबाउट द डोर्स, सी केम टू नो द इन विच डोर द टाइगर एंड इन विच डोर द लेडी, बिकॉज सी वॉज अ वेल्दी, सी हैड अ गोल्ड एंड सी ऑल्सो हैड अ पावर. What did the princess feel when she imagined her lover opening the door that read the tiger? उसने क्या फील किया कि टाइगर आएगा और उसको मार डालेगा और वो बहुत रोएगी. ये सेम है कि जब वो लड़की आएगी तो वो क्या फील करेगी, वही चीज़ें, उसकी शादी हो जाएगी, लोग डांस करेंगे, गाएंगे, दोनों चीज़ें ऐसे नहीं थी उसके लिए. ओके, सो इन दिस चैप्टर द प्रिंसेस हैड इनफ बार्बिज्म इन हर देयर लव अफेयर वाज ड्रामेटिक टू ड्रामेटिक. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे, क्योंकि उसने ये सब चीज़ें उससे अपने पेरेंट्स से छुपा के रखी, दैट वॉज द ड्रामेटिक, उसने कभी किसी को पता नहीं लगने दिया कि वो उस लड़के से प्यार करती है. हाउ कुड द प्रिंसेस फाइंड द सीक्रेट ऑफ द डोर्स, वो पैसे या गोल्ड देकर, क्योंकि उसके पास पावर था, ये दोबारा रिपीट हुआ है. सो दीज आर द क्वेश्चन विच आई हैव एक्सप्लेन यू, आई ऑल्सो गिविंग यू सम मोर क्वेश्चन सो दैट यू कैन आंसर दीज क्वेश्चन. आई होप यू गॉट दिस चैप्टर, अंडरस्टैंड. ओके, बाय.